हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 और 10 का। आज इंट्रोडक्शन का ये क्लास रहेगा। इसमें हम लोग पहला जो हमारा पाठ है, यानी पहला जो हमारा अभ्यास है, संख्या पद्धति, और कक्षा 10वीं में है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय कर लें। उसके बाद जो हमारा भाग 2 होगा, वहाँ से हम लोग प्रश्नावली पर मूव करेंगे और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, पहला पाठ क्या है? संख्या पद्धति है। पहला पाठ क्या है? संख्या पद्धति। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि सर, संख्या पद्धति क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़ते आए हैं, शुरू से लेके 1 से लेके 8 तक आपने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है, वो सारे नंबर किस में आपने पढ़े हैं? वो सारे नंबर आपने संख्या पद्धति में ही पढ़ा है। ठीक है, यानी कि यदि हम संख्या पद्धति को डिफाइन करें, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, यदि इसको हम लोग डिफाइन करें, तो हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यह वह पद्धति है जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्याओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। संख्याओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और संख्याएं हम लोग जनरली जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही हमारे पास क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, और बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी संख्या का हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हो गई? तो कुल संख्याओं की संख्या हमारे पास 10 हो जाती है, जब हम लोग पूर्ण संख्या की बात करते हैं या पूर्ण संख्या लेते हैं तो। और इसी संख्याओं के बीच से हम लोग बड़े से बड़े या छोटे से छोटे संख्याओं को बनाते हैं, ये आप पहले से भी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर, आप संख्या पद्धति को क्या किसी भागों में या फिर कितने भागों में आप बांट सकते हैं? तो देखिए, जनरली यदि हम लोग संख्या पद्धति की बात करें, संख्या पद्धति, यदि हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे ना, तो इसको हम लोग चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं, मालूम है कितने पार्ट में? इसको हम लोग चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में। देखिए कैसे, इसको यदि क्लासिफाई करें तो पहला जो हमारा पार्ट बनता है वो बनता है वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याएं। ठीक, और यही हमारा क्या है? कक्षा 10 का पहला कह लीजिए कि अध्याय है, या फिर पहला पाठ है कह लीजिए, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अच्छा सर, दूसरा क्या होता है? तो यदि हम लोग दूसरा की बात करेंगे तो वो होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याएं यानी कि जो इमेजिनरी नंबर होती है, इमेजिनरी नंबर जो होती है, इसका हम लोग अध्ययन कक्षा 11 से करते हैं। ठीक, यानी कि हमको ये जो है संख्या पद्धति और ये जो है वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोगों को 9 और 10 में पढ़ना है, और बाकी क्या पढ़ना है? काल्पनिक संख्या 11 से पढ़ना है। अच्छा, वास्तविक संख्या होती क्या है सर? तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितनी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है, जितनी संख्याएं, कुछ भी आप लोग लिख देते थे, √3, √5, 1, 2, 0, -5 etc, कुछ भी आप लिख देते थे, तो वो सभी नंबर्स किस में कंसिडर किए जाते थे? वास्तविक संख्याओं में, कुछ भी आप लिख देते थे। तो सर फिर काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो देखो, काल्पनिक संख्या क्या होती है, यही जो हमारा √3 है ना, इसी को यदि हम लोग क्या करें, इसी को यदि हम लोग निगेटिव में लिख दें, -√3, -√5, -√5, ठीक है, -√7, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? ये सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का मान तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो इन संख्याओं का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, वास्तविक संख्याओं भी देखो, वास्तविक संख्याओं को भी यदि हम लोग बात करेंगे तो ये भी 2 भागों में बढ़ता है। एक बढ़ता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे आप लोग जनरली क्या कह देते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर, और दूसरी क्या हो जाती है, दूसरा जो हो जाता है अपरिमेय हो जाता है। ये सब कुछ आप लोग क्लास 6-7 में आपने पढ़ा है, अपरिमेय संख्या केवल आपको रिवीजन के लिए इसको बताया जा रहा है। इरेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अच्छा सर, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या तो जनरली आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग अंश बटे का हर में लिखते हैं, वो संख्या परिमेय होती है। जहाँ हम लोग कहते हैं कि जहाँ जो हर का मान होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कोई परिमेय न हो, यानी कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वही हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। तो इसमें जितने भी आप लोग नेचुरल नंबर्स लेते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि जितनी आप लोग प्रकृति संख्याएं लेते हैं, प्रकृति संख्याएं जितनी भी प्रकृति संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप लोग करणी में 5 लिख दें, करणी में 7 लिख दें, करणी में 8 लिख दें, ETC, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, तो एग्जाम्पल देखिएगा तो मालूम है वो क्या पता चलेगा, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख दीजिए, शून्य। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शून्य क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो याद रखिए शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, और कंडीशन के अनुसार अंश बटा हर होना चाहिए, ये अंश नीचे वाला हर। ठीक है, अच्छा हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए हर यहाँ पे 1 है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, जीरो, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग इसको भी देखें तो परिमेय भी 2 भागों में बढ़ता है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो जनरली 2 भागों में बढ़ती हैं। पहला जो भाग होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहला भाग जो हमारे पास होता है वह होता है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर, जबकि दूसरा जो हमारा होता है वह होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। भिन्न संख्याएं 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सा, साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये तो आप लोग पढ़ रखे हैं। ठीक, 1 2 ये 3 प्रकार की होती है, साधारण, असाधारण, ठीक, और मिश्रित भिन्न। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़नी नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी रखे होंगे या फिर इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अच्छा, पूर्णांक 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है भाई? तो एक बीच में जीरो यानी कि शून्य पूर्णांक, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ये आप जानते हैं। और कभी भी शून्य और पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि शून्य और धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ये भी आप जानते हैं। तो ये बस बेसिक के लिए था। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें अभी अभी और आप लोग जानते होंगे क्या, तो सम संख्या के बारे में, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। तो इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग अपने चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, और वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी आसानी से गणित आ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, और पार्ट 2 से हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि हमको संख्या पद्धति में क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और भी बहुत कुछ उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।